हाँ जी बोलिए। आप थोड़ा पीछे भाई जी को आगे आना। हाँ बोलिए। एक सवाल सेटल्ड। हाँ बोलो। बहुत 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 सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। कल थाने में सेट पे हमारी यूनिट पे अटैक हुआ। माही गिल जी वहाँ शूटिंग कर रही थी। साकेत, हमारे डायरेक्टर सोम शाह, शबीर आलू वालिया, द एंटायर यूनिट वॉज शूटिंग इन दैट सेट, क्लोज्ड सेट इन थाने येस्टरडे, कल घोड़बंदर रोड पे। वहाँ पर कुछ 8-10 लोग अंदर आए और उन्होंने अटैक किया। हमारे सारे मैक्सिमम यूनिट के मेंबर्स जो हैं वो इंजर्ड हुए। सोम शाह डायरेक्टर जो है वो इंजर्ड हुआ। माही वॉज इंजर्ड। मोस्ट ऑफ द पीपल वर इंजर्ड। आज जो हमारा रीज़न टू मीट द चीफ मिनिस्टर वॉज वेरी सिंपल, कि उनको बताने के लिए कि वो जो पूरा बेल्ट है थाने मीरा रोड नायगांव का, वहाँ पर हमारी फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म यूनिट जो है बहुत इनसिक्योर रहती है और वहाँ पर ऐसे अटैक्स अक्सर होते हैं। वी आर थैंकफुल टू द चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी। ही वेंट ऑल आउट। उन्होंने पूरी तरीके से लोकल लेवल पर सारे IGs, पुलिस ऑफिसर्स, उनको सबको इत्तला किया हुआ और उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए हमें प्रॉमिस किया और उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हुआ है। सो बेसिकली कंडीशन ये है। क्या वहाँ पे? अरे हम सब जैसे आप 1 मिनट बोलने ही दोगे ना तो ही होगा। प्लीज सब लोग इधर खड़े रहेंगे। थोड़ा सा आगे। वहाँ पे इंसिडेंट के समय पे आप ब्रीफ कीजिए, क्या हुआ था वहाँ पे, क्या देखा था? हम लोग शूट कर रहे थे। प्लीज आराम से खड़े होंगे तो बात कर सकते हैं। अगर आप गिरेंगे दूसरे के ऊपर तो कैसे? नहीं आप चिंता नहीं करिए, सब खड़े हैं। आप चिंता नहीं करिए, आप बोलिए, आप बोलिए। बहुत जगह मैडम, आप बोलिए प्लीज। सबको अटैक किया। अरे यार, माही 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 सेंट्रल लुक प्लीज। आप बोल रहे गिरने रहे, गिर तो रहे भाई साहब। सुनो, हम लोग हैं ना यहाँ, हम बात करेंगे ना सबसे। बात पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे प्लीज। आप थोड़ा आराम से ऑपरेट करो ना, हम लोग बात कर रहे हैं ना। प्लीज टॉक टू एवरीवन। माही यू कैन स्टार्ट ब्रीफिंग। यार आप क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं आप लोग? यार एक बार इधर एक बार उधर। आप लीड कर रहे हैं। हमारा क्लाइमेक्स हमारा क्लाइमेक्स शूट हो रहा था और हम सुबह 7 बजे शूट कर रहे थे वहाँ पर और बहुत ही आराम से शूट कर रहे थे। अचानक से 4 बजे 4 गुंडे आए और वो अटैक करना शुरू कर दिया। ना उन्होंने कोई गाली गलौज की, ना कुछ बोला, सीधा आके मारना शुरू कर दिया सबको। बहुत मारा। मेरी तरफ आए अटैक करने के लिए। मुझे फटाफट गाड़ी में बिठाया गया और लोगों को मारा बहुत बुरी तरह से। उसके बाद सोहम सर को मारा। सोहम की काफ़ी चोट लगी, ऑलमोस्ट फेंट हो गए बिकॉज उनके पीछे ऐसे मारा रॉड। फिर हमारे जो DOP है इनको बचाने के लिए गए, उनको सर पे मारा, उनकी काफ़ी स्टिचेस लगी हैं। मैंने काफ़ी तोड़ फोड़ की वहाँ पर और बहुत ज़्यादा हम सबको मारा है। और क्रू लोगों को बहुत मारा। वैनिटी वैन भी तोड़ी। कम से कम मतलब 8 से 10 असिस्टेंट डायरेक्टर्स से लेके प्रोडक्शन के अंधाधुन उन्होंने मारा है, मतलब देवाला जैसे कासा एक टेररिस्ट हो। आज सीएम चूंकि होम मिनिस्टर के इंचार्ज भी, सीएम ने क्या अश्योर किया? जी उन्होंने तो आज हम उनसे मिले हैं, बहुत अच्छा एक्शन लिया, बहुत अच्छा हमें मिले हैं मदन यारावर साहब। फर्स्ट वी वांट टू थैंक हिम आल्सो, वी वांट टू थैंक सीएम साहब आल्सो। ही मेट अस एट सच अ शॉर्ट नोटिस, ही पेशेंटली गिव अस हिज टाइम एंड ही अश्योर्ड अस दैट हूएवर इज अरेस्टेड दे विल बी पनिश्ड इन द बेस्ट ऑफ to give a certain example for everybody else. एक-एक डिटेल हमसे ली है, एक-एक छोटी सी छोटी डिटेल उन्होंने पर्सनली हमसे अकाउंट लिया है और हमारे सामने उन्होंने एक्शन लिया है, तो वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज डेफिनेटली वील गेट सम जस्टिस। क्योंकि ये सिर्फ कल का हमारे मुद्दे की बात नहीं है, हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री, बड़े से बड़े एक्टर्स, बड़े से बड़े लोग और छोटे से छोटा स्पॉट, हर आदमी वहाँ रोज़ काम कर रहा है। कम से कम 40 शूटिंग चलती है मीरा रोड और नायगांव एरिया में एवरी डे, एंड दिस इज अ मेनेस, इट्स वेरी, कोई आगे नहीं आ रहा है, इट्स लाइक एन अंडरवर्ल्ड डे। एंड सर वी वांट टू थैंक ईच ऑफ यू। कल हमने हमारा फेसबुक का वीरल, आप सबने वीडियो को वायरल किया, आप सबने हमको कॉल्स किए, सपोर्ट किया, वी थैंक यू। आप लोगों की वजह से इन सच अ शॉर्ट नोटिस वी गॉट अ मीटिंग विद सर एंड दिस मैटर इज गेटिंग रिजॉल्व्ड। थैंक यू सो मच। सर पुलिस के पर्टिकुलर पेट्रोल वैन वहाँ पे जो आई थी, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि इस कंपाउंड के अंदर हमारा सामान है, कोई सामान हमारा रैंसम पे होल्ड करके रखा हुआ है। पुलिस ने कहा हम अंदर जाके देखते हैं, पुलिस ने अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर दिया। जब हम पुलिस के पास गए तो उन्होंने कहा कोर्ट जाओ, पंचनामा होगा, अब आपका कैमरा वैमरा इक्विपमेंट ओबी वैन अगर कोई जब्त कर ले, पता नहीं कितने साल कहाँ सड़ेगा, कौन लाएगा, कैसे लाएगा। देयर वाज नो रिप्राइज। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, दे गेव अस एन इंडिकेशन ऑफ मनी, हमने कहा वो हम नहीं देंगे। लेटर व्हेन दिस गॉट एस्केलेटेड द वीडियो वेंट वायरल, द प्रेशर वेंट अप टू द कमिश्नर और डीसीपी ऑफ दैट लेवल, ही टुक इमीडिएट एक्शन against that particular PI called Khairnar. CM sir has also assured us that this Khairnar will be taken to task. Unfortunately, his name also happens to be Khairnar. He is some senior PI in Kasarwadi police station. Kasarwadi. बताइए, पुलिस का कहना है कि आप लोगों के पास परमिशन नहीं थी। सर मेरे पास फिजिकल परमिशन है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने सीएम साहब को भी डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। आपको चाहिए तो किसी एक को हम व्हाट्सएप या ईमेल कर देंगे। पुलिस परमिशन का 5,000 रुपये इसमें लिखा हुआ है, जो वहाँ पे उस कोऑर्डिनेटर को लेना था। अब उसने लिया है या नहीं लिया है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी वी वर शूटिंग इन, इट्स नॉट अ पब्लिक प्लेस। इट इज प्योर गुंडागर्दी और कोई मैटर ही नहीं। सोहम साकेत साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अलग अलग वेंडर्स है, वैरायटी है, यार एक लेडीज है, पेशेंस आप इनको हेलो ये तो पूरे 5 मिनट्स की अंदर तो बाइट दे रही है। इट इज नॉट अबाउट फिल्म इंडस्ट्री, इट इज अबाउट वैल्यू फॉर लाइफ। आप लोग भी काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हो, वेदर आप मीडिया है या नहीं हो, your life should be valued. What is promised that your life will be valued. So it will only work. So ma'am और सर जानना चाहेंगे, you know, जो सेट्स पर हुआ है, सबसे पहले तो उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी न्यूज़ सुनने मिल रही है। तो आप लोग वहाँ सिचुएशन पे प्रेजेंट थे, आपसे जानना चाहेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ। हम 100 लोग 125 लोग एक यूनिट के शूट कर रहे थे सुबह 7 बजे से 4-4:15 के आसपास 4 लोग उधर आए, जिनके पास स्टिक्स थी, आयरन रॉड्स थी, वो ड्रंक स्टेट में थे और उन्होंने मारामारी शुरू कर दी। ठीक है, हमारे यूनिट को मारना शुरू कर दिया। वी हैड फीमेल क्रू, वी हैड सीनियर एक्टर्स, वी हैड टेक्नीशियंस इन अ क्रू एंड वी वर टेकन अबैक, वी वर इन शॉक। हमने इमीडिएटली उस वक्त अपने आप को रिट्रैक्ट किया और उस कंपाउंड से हम बाहर आ गए। वी वर थ्रेटन टू लीव द प्रेमाइसेस। वी ट्राइड टू टॉक टू देम बट एवरी टाइम वी ट्राइड दे स्टार्टेड हिटिंग अस। उन्होंने इनको मारने की कोशिश की, इनके बाउंसर को चोट लग गई बचाने के चक्कर में। हमारे डीओपी को 6 से 7 टाके आए, हमारे डायरेक्टर को 2 बार उनके हाथ पे, पीठ पे बहुत बड़ा निशान है। ही ऑलमोस्ट फेंटेड, वी फेंटेड, वी हैड टू पिक हिम अप एंड गो आउट। वंस वी वेंट आउट we tried to reason with them ke saman nikalne do, but they were too much in their drunken state to even acknowledge what we were asking them. Eventually when they saw a police patrol van coming, they ran away. Police patrol van went inside, they locked the compound. Humne bola bhaiya humko saman nikalne do, ghar jaane do, female crew hai, vanity vans hai, gaadiyan hai, aapne dekha hai shooting mein kya kya hota hai। To police ne bola ab to mamla court mein jayega, case banega, file hoga, ye hoga, wo hoga। So we did not understand that process. Eventually we went to the hospital, jo log injured the unko first aid dilaya। वहाँ हमने एक वीडियो अपलोड किया जो फ्रेंड्स, फैमिली और आप लोगों के सपोर्ट से वायरल हो गया। उस वजह से डीसीपी अविनाश जी जो वहाँ के सीनियर हैं, उन्होंने इस चीज़ का कॉग्नेंस लिया। उन्होंने हमको बुला के पुलिस रिपोर्ट फाइल की, उन्होंने उन लोगों को रातों रात अरेस्ट किया, हमारे सामान को सेफ पैसेज दिलाया। ही मेड श्योर दैट एवरीबडी वेंट होम सेफ एंड बाय मॉर्निंग आई थिंक वी हर्ड दैट ऑल द 6 गाइज वर अरेस्टेड एंड the discussion that we never had police permission is debatable, yeah, because we can challenge this thought in any legal authority that we had legal permission to shoot there। और हमारे पास परमिशन हो या ना हो, अगर मैं आपके साथ आपके घर पे खड़ा हूँ और कोई आके मुझे मारता है, मेरा खून निकल रहा है, तो क्या आप मुझसे परमिशन मांगेंगे या मुझे फर्स्ट एड देंगे? एज अ पुलिस, इफ यू सी several people getting hurt, by a process of riot, will you ask for police permission for me to stand there, or will you safeguard me? Yeah. Isn't that what's supposed to be your duty? Or will you ask police permission? होगी तो आपका खून साफ करेंगे। मैम हमने देखा कि यू नो आपको आप बुरी सिचुएशन में भी आपको मारा जा रहा था। मारा मुझे मारने आए थे लेकिन बचा लिया। हाँ। So आप कैसे टैकल किया इस सिचुएशन? It was very scary और मुझे तो ये हो रहा था कि बाकी लोगों को कितना मार रहे थे वो लोग सबको जो भी रास्ते में आ रहे उनको मार रहे थे तो काफ़ी डरावना था वो सीन और मुझे और ये आज जो हम CM साहब से मिलने आए ये भी एक कारण है ताकि आगे लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो बिकॉज सब लोग वहाँ शूट करते हैं उस एरिया में मैंने 2 दिन बाद फिर वहाँ शूट करना है तो ये एक डर का माहौल उन्होंने पैदा किया हुआ उन लोगों ने वहाँ पर which is like really wrong तो I think जो आज हमारी मीटिंग हुई है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा सबको फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। CM सर से क्या सर lack of respect for law and order needs to be tackled. हर आदमी नहीं तो इस शहर में एक बाउंसर लेके कैसे घूम सकता है? बाउंसर्स को तो मार देते हैं। आपको घर से निकलने के लिए बाउंसर की जरूरत है? आपके कैमरामैन को आपके क्रू को रोज 4 आदमी आप निकलते हो आप 4 बाउंसर लेके कैसे जाओगे? Is it practical? 100 लोग यूनिट में हम 125 बाउंसर्स लेके कैसे घूमें? Everybody must respect law and order. We are shooting, we are professionals, tax-paying citizens. We pay our money and shoot. अभी CM सर की तरफ से क्या? He has taken action. He has made sure the strictest action will be taken against who is arrested. He made us speak to the IG of that area. He set up a meeting for us. He just did not assured us. He took action. Yeah. He took the action. And we have no political affiliations, but we thank him, and we thank all of you for supporting us. Yeah. Because of which this happened. Yeah. Really, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.